दो साल के इंतजार के बाद अब सैमसंग नोट लवर्स का इंतजार खत्म हुआ। जी हां, साउथ कोरियन कंपनी ने इस महीने अपने प्रीमियम फ्लैगशिप गैलेक्सी नोट 8 को इंडिया में लॉन्च किया है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 को 67,900 रुपए में भारतीय बाजार से खरीदा जा सकता है और ये हाल ही में लॉन्च हुए एप्पल आईफोन्स फोन को कड़ी टक्कर दे रहा है। तो चलिए देखें गैलेक्सी नोट 8 की कुछ खास खूबियां। गैलेक्सी नोट 8 में इंडस्ट्री की पहली इन्फिनिटी डिस्प्ले मौजूद है। 1440x2960 पिक्सल्स के साथ 6.3 इंच का डिस्प्ले शार्प और डीप कलर्स के साथ मौजूद है। इसी एच टू एच डिस्प्ले 18.5 रेशो 9 एस्पेक्ट की वजह से यूजर्स को थोड़ा ज्यादा व्यूइंग एरिया मिल रहा है। अब अगर इसके फीचर के बारे में आपको बताएं तो 6GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ इसमें 64-bit Xenos 1895 ऑक्टा कोर SoC मौजूद है। इसका वल्कन API इसमें हैवी ग्राफिक्स गेम्स को आसानी से सपोर्ट करता है। नोट 8 में आईरिस स्कैनर, फेस ID, फिंगरप्रिंट स्कैनर, नंबर लॉक और पैटर्न लॉक भी मौजूद है। सैमसंग ने S Pen को और भी पावरफुल बनाया है। यह S Pen 4096 लेवल्स के प्रेशर को सपोर्ट करता है। इसके टिप का डायमीटर 0.7 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि आप फॉन्ट की चौड़ाई तय कर सकते हैं। स्क्रीन पर ज्यादा दबाव डालकर मोटा फॉन्ट प्राप्त किया जा सकता है और कम दबाव से पतला फॉन्ट। S Pen के स्मार्ट सेलेक्ट फीचर से 15 सेकंड का एनिमेशन भी बनाया जा सकता है और इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा सकता है। सैमसंग ने भारत में वॉइस सपोर्ट बिक्सबी लॉन्च किया है जो कि एप्पल के सिरी और गूगल असिस्टेंट के बराबर है। गैलेक्सी नोट 8 में रियर ड्यूअल कैमरा ड्यूअल OIS के साथ है जो इसके परफॉर्मेंस को और भी पावरफुल बनाता है। इसमें एक वाइड एंगल 12MP ऑटो फोकस कैमरा और दूसरा टेलीफोटो 12MP ऑटो फोकस कैमरा है। इसका 8MP फ्रंट कैमरा कम रोशनी में भी खूबसूरत तस्वीर खींच सकता है। इसकी 3300 mAh की बैटरी 0 से 100% चार्ज होने में 1 घंटा 43 मिनट्स का समय लेती है। जब फोन को कम रोशनी में अनलॉक करने की बात आती है तो इसका आयरिस स्कैनर और फेस ID औसत रहता है। आनेस्ट रिपोर्ट।